वहीं चुनाव प्रचार में धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान के तहत उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त किए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में यह 3 गुना से भी अधिक है। एक तरह से इस बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस बार हमने ज्यादा टीमें बनाई। आम जनता, कई विभाग, आयकर का खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम, आबकारी, स्थानीय पुलिस अधीक्षक के परस्पर समन्वय और सहयोग से हमने सख्ती से कार्यवाही की। देहरादून से अमनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस बार हमने 2019 के चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम, काफी सख्ती हम करते हैं। तो इस बार